अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी फ्रेंड्स को वेलकम करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे न्यूज़ के बारे में जो कि थोड़ा पॉजिटिव हमको देगा और बिटकॉइन भी थोड़ा अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रहा है। इसके अलावा मैं मार्केट में थोड़ी बात करने वाला हूँ बिटकॉइन के रिलेटेड, और कुछ न्यूज़ आए हैं उसके रिलेटेड बात करेंगे क्या बिटकॉइन फिलहाल क्या मूवमेंट कर रहा है एज पर टेक्निकल एस्पेक्ट। और पहले हम देख लेंगे क्या मार्केट ने कितना रिकवर किया है पिछले दो दिन में, क्योंकि इससे हमको एक अंदाज़ा हो रहा है कि मार्केट में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि जो लोग फिलहाल डर रहे हैं यार क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेकर, उम्मीद है कि अभी उनको थोड़ा डर कम हो चुका है क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा ऊपर उठ चुका है, तो वो लोगों को और भी कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो कोई भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उस पर क्लिक करके सेव कर लीजिए। सेफ और इसलिए करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस का आप सीरीज यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर आपको पूरे तरीके से समझाया जा रहा है किस तरह आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है क्रिप्टो करेंसी में और ट्रेड को अपना सक्सेसफुल बनाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड, फिलहाल डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर हम आ चुके हैं CNN.com के वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर रिसेंटली एक आर्टिकल रिलीज हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अपडेट किया कि क्रिप्टोकरेंसी मार्केट रिकवर टू $500 बिलियन एज बिटकॉइन एंड इथेरियम रिकॉर्ड गेम, ठीक है। $500 बिलियन का बिटकॉइन और इथेरियम टोटल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में रिकवर हुआ है, ज्यादा जो मेजर रिकवरमेंट हुआ है उनका बिटकॉइन और इथेरियम में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मैं एक आईसीओ का रिलेटेड बताने वाला हूँ, कोई आईसीओ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छा न्यूज़ आ रहा है कुछ पर्टिकुलर कंट्री की ओर से, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम फरवरी में, यानी इनका जो आर्टिकल में लिखा हुआ बता रहा हूँ कि फरवरी में फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट $500 बिलियन का मार्केट रिकवर किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पिछले दो दिनों में। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 9% से इंक्रीज हुआ है $10,000 से लेकर $8,500 तक, और 24 घंटे के अंदर बिटकॉइन जो साउथ कोरिया का जो मार्केट है वहाँ से 2-3% प्रीमियम हुआ है, और ऑलमोस्ट साउथ कोरिया कुछ लार्जेस्ट एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन फिलहाल $11,200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कुछ कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस से ट्रेड होता है, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट तो एक अंदाजा ये भी मिलता है कि मे बी बिटकॉइन इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। बट बिटकॉइन का यहाँ से जाना मैं आपको एज पर टेक्निकल एस्पेक्ट के जरिए बताऊंगा, बट यहाँ पर आप चेक कर सकते हो रिलेटिव मेजर मार्केट लाइक जापान एंड यूएस कोरिया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट है सिग्निफिकेंटली स्मॉलर सप्लाई ऑफ मोस्ट क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। वहाँ पर जो अदर करेंसी काफ़ी स्मॉल सप्लाई है, इसलिए बिटकॉइन पर ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं और इसलिए बिटकॉइन मार्केट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने मैंशन किया, विच इज ऑप्टिस विच इज इंडिकेटिंग शॉर्ट टर्म रिकवरी स्पेशल इन द एशियन मार्केट, ठीक है। शॉर्ट टर्म में जो ज़्यादा रिकवर हुआ एशियन मार्केट, यानी हम जो एशियन कंट्रीज है उनकी ओर से रिकवरी अच्छा हुआ, ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब लोग अभी पैनिक सेलिंग नहीं कर रहे, जो लोग बैड न्यूज़ चल रहा था नेगेटिव न्यूज़ चल रहा था तो फिलहाल वो स्टॉप हो चुका है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर एक चार्ट उन्होंने अपडेट किया है करंट प्राइस का, यहाँ पर ऑलमोस्ट $10,900 के आसपास जाकर आए थे। बिटफिनेक्स का बता दें, मैं आपको अपने ओर से भी बताऊँगा, मैकडी यहाँ पर उन्होंने इंडिकेटर यूज़ किया है। यहाँ पर और भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि द डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ बिटकॉइन अक्रॉस ऑल मेजर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग इन द पास्ट 24 आवर्स, ठीक है। सभी क्रिप्टोकरेंसी जितने भी कॉइन्स है वो पिछले 24 घंटे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और एक आशा ये भी यहाँ पर लगाई जा रही है कि यहाँ से शायद शॉर्ट टर्म रैली बोलो या कोई अच्छा बोल तो बिटकॉइन प्राइस अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं, सरपास कर सकता है 11,500 मार्क को, और मोमेंटम टूवर्ड और आगे मूव कर सकता है $13,000 के अंदर। ये तो मुझे भी पता है कि भाई आने वाले कुछ वीक के अंदर, लेकिन कुछ मेजर सपोर्ट और रेस्ट यहाँ पर बना हुआ है वो हम टेक्निकल एनालिसिस में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इथेरियम के ऊपर एक्सप्लेन किया है, भाई इथेरियम की ओर से भी काफ़ी अच्छा हुआ है सिवाय कुछ क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर, जो कि जनरली नियो और इसके से कुछ क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन प्राइस बढ़ने के कारण वो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दिया है, बट इथेरियम ने फिर भी अच्छा खासा चेंजेस दिखाई दिया है। अब यहाँ पर न्यूज़ आ रहा है आईसीओ की ओर से, क्या मैनी आईसीओ और टोकन के ऊपर, देखिए एक चीज़ मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ये सब लोग इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। आईसीओ कौन सी कंपनीज लाते हैं जो कि स्टार्टअप कर रहे हैं,
और उनको स्टार्टअप के लिए फंड चाहिए, ठीक है, यानी उनके पास कोई आइडिया है, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, इसलिए वो आईसीओ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वही एक्सप्लेन किया है कि भाई आईसीओ और टोकन्स को वो कुछ स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक में, यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पर कुछ रेगुलेशन यानी कुछ रूल्स लाए हैं जो कि उसके अंडर वर्क करने वाले हैं। इन द सेंस वहाँ पर आईसीओ लीगल है और काफ़ी ज़्यादा आईसीओ स्विट्जरलैंड से रिलीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो फेक आईसीओ जो स्कैम आईसीओ इसके पहले जो आ चुके हैं वो आना कम हो जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया कि हम आईसीओ में नज़र रखने वाले हैं, सिर्फ वही आईसीओ को हम आगे लाएंगे जो कि रियल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हो या फिर जो रियली लग रहे कि हाँ ये रियल प्रोजेक्ट है, स्कैम नहीं करेंगे। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर का पैसा भी यहाँ पर सेफ होगा अकॉर्डिंग टू 22 फरवरी को जो रिपोर्ट ये पहले कुछ यहाँ पर बता रहा है, आगे कुछ आने वाला है, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया भाई जो भी स्कैम्स हो रहे थे, जो भी फ्रॉडलेंस हो रहे थे आईसीओ के कारण, वो फिलहाल नहीं होंगे। तो उसके ऊपर भी वो सिक्योरिटी लगा रहे हैं और कुछ रूल्स लाए हैं, उस रूल्स के अंडर ये वर्क करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है हम लोगों के लिए जो आईसीओ में इन्वेस्टर्स करते हैं और जो अभी तक हो चुका है पिछले आईसीओ में, जिस सबको इस तरह दोबारा ना हो उसके लिए रूल्स आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हर कोई उसको एक्सेप्ट करेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और बस वही लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। VTC काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है और अपकमिंग टाइम इसका इवेंट भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका है। बट फिलहाल हमको जो देखना है BTC USD देखना है, वो भी हम बिट्रैक्स के ऊपर के चार्ट पे देखने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने किसी के रिक्वेस्ट के ऊपर एनालिसिस करके बताया था और फिलहाल काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई कुछ वर्क नहीं करता है, टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता है, फला फला चीज़ मुझे नहीं समझ में आता, वो ऐसा क्यों बोलते हैं, तो अगर आपको याद है इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मार्केट गिर रहा था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ पर लगाया था और मार्केट ने एग्जैक्टली लास्ट फिब लेवल पर सपोर्ट लेकर मार्केट अपवर्ड की तरफ मूवमेंट किया है। तो शायद उन लोगों को समझ में आ चुका है कि जो लोग चिल्लाते हैं कि भाई ये सब बकवास करता है, आदिल यहाँ पर बैठकर टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करते, तो भाई ये क्या चीज़ है मुझे तू ही बता दे। और अगर सच में अगर टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता तो कहीं 100 साल पहले से जो स्टॉक मार्केट चल रहा है, जो फॉरेक्स चल रहा है, जो कमोडिटी जो चल रहा है, तो ये ट्रेड अभी तक नहीं चलते, क्योंकि उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल आर यूजिंग ओनली टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं यहाँ पर फालतू में टाइम पास करने नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना आता हूँ कि आप अगर टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे इससे आपको कितना बड़ा फायदा पहुँच सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 0.76, 0.78 फिबोनाची रिट्रेस लेवल को टच करके मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट ले रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे दो चीज़ लग रहा है, एक तो यहाँ पर 0.50 गोल्डन रेशियो आ चुका फिबोनाची का, तो मे बी मार्केट इसको टेस्ट करके वापस पुल बैक ले सकता है $9,400 के ऊपर। यानी तो अगर इसको वो सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यहाँ पर अच्छे तरीके से अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेंगे, यानी 0.38 फिब लेवल की तरफ मूवमेंट करेंगे। गाइस 0.50 फिब लेवल एक गोल्डन रेशियो है, यहाँ से मार्केट इतना आसानी से टूटता नहीं है। अभी हमको बस यही देखना है कि मार्केट यहाँ से सक्सेसफुली टूटता है या नहीं टूटता है। अगर टूट जाता है तो मार्केट सीधा अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा और ये जो मेजर रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर जो बना है डाउन ट्रेंड लाइन का, तो अगर ये ब्रेकआउट होता है इसका मतलब ये है कि भाई ऑलमोस्ट 13,000 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट होता है, 12,000-13,000 के ऊपर एक्जैक्टली, तो हम पूरी तरीके से कंफर्मेशन करेंगे कि यस मार्केट अभी पूरी तरीके से बुलिश हो चुका है, बिटकॉइन का मार्केट अभी पूरी तरीके से बुलिश हो चुका है। अभी दो कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है, एक तो भाई जो ट्रेंड लाइन था यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लाइन था वो ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10,000 का था, सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका है, वन डे के चार्ट में आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पर जो मेजर एक तो 50 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि $11,400 का है, और उसके बाद जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए रेजिस्टेंट का जो कि $13,000 का है। अगर ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर बिटकॉइन को अच्छे तरीके से मूवमेंट देख सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड के अंदर, फिर यानी वो लम्हे दूर नहीं है जो $19,000-$20,000 पर हम बिटकॉइन दोबारा देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और अभी इंस्टीट्यूशन का मनी भी फ्लो होगा इन द एंड ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च से एंड हो जाएगा। तो जो इंस्टीट्यूशन का मनी है, जो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वर्क करते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, जो लोग बिजनेस करते हैं मतलब ट्रेडिंग के अंदर, तो वो लोगों का फिर से पैसा फ्लो नहीं है, तो मार्केट इसी तरह इंशाल्लाह ग्रो अप करता रहेगा। तो फिलहाल जो लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं कि भाई बिटकॉइन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हो, एक अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर मूवमेंट ले सकता है, कहाँ पर जाकर टेस्ट लेगा और कहाँ पर जाकर बैकवर्ड मूवमेंट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं RSI के लगाऊंगा, RSI वर्क नहीं करता है, बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया था, तो ये देख लो मेरे भाई RSI एग्जैक्टली ओवरसोल्ड की बॉर्डर पर जाने के बाद
कर्व और के मार्केट ऊपर अच्छे तरीके से मूवमेंट कर रहा है। जितने भी बार RSI ने वन डे के चार्ट के अंदर टच किया है बॉर्डर को, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर मूवमेंट करता है, ये वही चीज़ है। तो यार टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता ये तो ना बोलो, हाँ आपको सीखना नहीं है या आपको नहीं आता है वो चीज़ें हो सकता है, लेकिन ऐसा मत बोलो कि भाई टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता है, क्योंकि मैं इतना जो फ्री में मेहनत कर रहा हूँ, फिर ऐसा ना हो जाए कि कल मैं इस चीज़ के लिए पैसा मांगूँ आप सभी से कि भाई अब ये मैं फ्री में नहीं सिखा रहा हूँ, मुझे अब इस सिखाने के लिए मैं आपसे आप मुझे फीस पे कीजिए। क्योंकि अगर कोई इंसान फ्री में सिखा रहा आप उसके अंदर ऐसे से कमेंट करोगे तो उसको फिर थोड़ा उसका जो मूड होता है वो खत्म हो जाता है। यानी मैं जो फ्री में बना रहा हूँ वीडियो, फिर आप ऐसे कुछ कमेंट करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज देखिए, उसको समझिए, उसको सीखिए, और ये कोई एक दो दिन का खेल नहीं है। जो लोग फिलहाल सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर जाकर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको बोलूंगा सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर ट्रेडिंग ना कीजिए, चार्ट पैटर्न भी अवेलेबल है, चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेडिंग कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा चार्ट पैटर्न के ऊपर। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो से एक अंदाजा हो चुका है कि एक तरफ मार्केट भी रिकवर कर रहा है टोटल क्रिप्टो करेंसी का, साथ में बिटकॉइन का पोजीशन आपको पता चल चुका है कि एक्जैक्टली बिटकॉइन क्या मूवमेंट ले सकता है और कितना ऊपर जाके नीचे आके और कितना आगे जा सकता है। तो बस ये वीडियो में आपको इतना ही बताना था, उम्मीद है आपको वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला होगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिला तो वीडियो को एक लाइक करें और शेयर कर लीजिए ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होती जाए, ताकि हमको भी फ्री में सिखाने में कुछ मजा आता जाए। सो गाइस, उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।